Hello friends, so welcome to one more video, and in this video I'm going to solve one more numerical. And you may see over here ek numerical diya hua hai. An oil film of thickness 1.5 mm is used for the lubrication between a square plate. ठीक है, कोई इस तरह की square plate है और इस square plate पे square plates having inclination 20 degree. The weight of square is this much. देखो तो इस तरह से आपका एक स्क्वायर प्लेट है, मैं आपको यहाँ पे बना दे रहा हूँ ये, और ये स्क्वायर प्लेट है ये वाली. ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है, मतलब ये इस तरह से है. आप सामने से देखो तो वो देख, और इसका 20 डिग्री इंक्लिनेशन है. ठीक है, तो ये एंगल आपको दिया है 20 डिग्री. ठीक है, ये एंगल 20 दिया है और इसमें दिया है यूज फॉर द लुब्रिकेशन प्लेट हैविंग एंगल ऑफ दिस द वेट ऑफ स्क्वायर. इसके ऊपर स्क्वायर रखा हुआ है इस तरह से. ठीक है, ये कोई स्क्वायर है और इसका इनके बीच में लुब्रिकेशन है. ठीक है, इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में लुब्रिकेशन है. ठीक है, ये प्लेट और इनके बीच में लुब्रिकेशन है इस तरह से. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा इस तरह से लुब्रिकेशन कर रखा है. अब आपको करना क्या है, इसका वेट दिया हुआ है तो वेट ऑब्वियसली कहाँ एक्ट करता है, वेट हमेशा एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसका ये वेट एक्ट करेगा यहाँ पे W, और W दिया आपको 392.4 न्यूटन. ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो ये इस तरह से हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा. ये सिंपल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा. तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा. तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा. एफ मतलब यहाँ पर वेट है. ठीक है, तो ये तो जो एफ कॉस थीटा है ये तो बैलेंस हो जाएगा इससे रिएक्शन से, बिल्कुल कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है. तो आप यहाँ पे एफ साइन थीटा निकालोगे. ठीक है, तो जो एफ साइन थीटा की वजह से क्या होगा, शीयर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ये. ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, ये क्या हो जाएगा, W साइन थीटा. तो W कितना है आपका, 392.4 × sin 20. तो 392.4 × sin 20, तो ये आ गया 134. ठीक है, तो F शीयर फोर्स आ गया 134.2 न्यूटन. अब शेयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. तो टाइप कल्स आ जाएगा 134.2. इस प्लेट का दिया है आपको कि ये प्लेट का एरिया डायरेक्टली इसमें दिया हुआ है. ऑयल फिल्म ऑफ थिकनेस 1.5 में यूज फॉर स्क्वायर प्लेट. ठीक है, ये प्लेट कैसी है, स्क्वायर है, लेकिन इसमें स्क्वायर प्लेट न्यूमेरिकल में इसका स्क्वायर प्लेट का डायमेंशन दिया हुआ है. ठीक है, तो स्क्वायर प्लेट का जो डायमेंशन है वो है 0.9 मीटर बाई 0.9 मीटर. ठीक है, तो आप इसका एरिया निकाल लोगे. एरिया क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स 0.9 × 0.9 करोगे आप, तो ये हो जाएगा 0.81 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो टाइ इक्वल्स हो जाएगा 134.2 × area 0.81. तो 134.2 आया है डिवाइडेड बाई 0.81, तो यह 165.68. ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस आ गया आपका टाउ इक्वल्स 165.68 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब आपको विस्कोसिटी निकालना है.
ठीक है। तो विस्कोसिटी निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, तो विस्कोसिटी टाउ इक्वल्स म्यू डी अपॉन डी वाई। तो टाउ की वैल्यू आपकी आ गई है 165.68 इक्वल्स म्यू डी यू। डी यू कितना है, ये वेलोसिटी है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो डी यू 0.2 है, तो 0.2.2। इसकी थिकनेस कितनी है, फ्लूड की वाली थिकनेस 1.5, तो 1.5 इंटू 10^-3। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ डायरेक्ट, ये इधर पहुँच, तो म्यू इक्वल्स आ जाएगा आपका 165.68 इंटू 1.5 इंटू 10^-3 अपॉन 0.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 165.68 है ही पहले से, इंटू 1.5 कर देते हैं, इंटू होल्ड ऑन 10^-3 कर देते हैं, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 0.2 कर देते हैं, तो ये आ गया 1.24। म्यू इक्वल्स आ गया 1.2426 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यदि हम पॉइज़ में निकालेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12.4 पॉइज़। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।